150 मीटर के अटल पथ का किया गया लोकार्पण। सदर मुख्यालय के चौरा देवी रोड में हुआ कार्यक्रम। खो खो टैलेंट हंट का आयोजन, महिला और पुरुष वर्ग की टीमों ने लिया भाग। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर कसा तंज, बोली जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए प्रयोगशाला। उद्धव ठाकरे का शाह पर तंज, कहा वो लोगों को लड़ाकर राज करना चाहते हैं। सीएम नीतीश के ऑफर पर कांग्रेस का जवाब, जयराम रमेश ने कहा हम विपक्ष की एकता पर भी बात करेंगे। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। जिले की स्थापना के 200 वर्ष पर डीएम चंद्रभूषण त्रिपाठी और एसपी शुभम पटेल ने 150 मीटर के अटल पथ का लोकार्पण कर एक भव्य कार्यक्रम किया। वहीं प्रशासनिक अमले के साथ संप्रात नागरिक उपस्थित रहे। बता दें इस 150 मीटर के अटल पथ और बुजुर्गों और बच्चों को घूमने में सहूलियत मिलेगी। वहीं पथ पर वृक्षारोपण कर यमुना जी की प्रतिमा की आरती भी उतारी गई। हमीरपुर जनपद की स्थापना के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नगर पालिका परिषद हमीरपुर के द्वारा ये अटल पथ का निर्माण कराया गया है, जिसमें हमीरपुर के बदलते परिदृश्य को दिखाया गया है और प्रयास किया गया है कि हमीरपुर जनता के लिए एक सुखद और अच्छी अनुभूति देने वाला स्थान बनाया जा सके। क्या खास है सर इस परिपथ में? इस परिपथ में सबसे खास बात यह है कि इसमें टहलने के लिए बुज़ुर्गों को जो सीढ़ी से इस यमुना पथ पर ऊपर नहीं जा सकते हैं, या जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर नीचे टहलने की व्यवस्था की गई है। 150 मीटर का पाथवे बनाया गया है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने देर रात दहशत का परिवार बन चुके डकैत साहब सिंह को गिरफ्तार किया है। बता दें कि साहब सिंह 1.25 लाख रुपए का इनामी डकैत था और बावरिया गैंग का सक्रिय सदस्य भी था। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आरोपी युवक की मौत हो गई और मौत के बाद पुलिस ने युवक का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रात्रि थाना गुलावटी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम से एक अपराधी की मुठभेड़ हुई, जिसमें की वो अपराधी मारा गया। इसकी शिनाख्त साहब सिंह के नाम पे हुई है, जो कि एक बावरिया है, और उसके ऊपर जनपद गोंडा से संबंधित एक मुकदमे में 1 लाख रुपए का इनाम तथा बुलंदशहर के एक मुकदमे में 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसके ऊपर अब तक 6 मुकदमों की जानकारी मिली है, जिसमें डकैती और डकैती के दौरान हत्या जैसे गंभीर मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं। इस कार्रवाई के दौरान हमारे 3 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक अपराधी के बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है, वह अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्रयागराज संगम नगरी प्रयागराज में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खो खो टैलेंट हंट उत्तर प्रदेश का आगाज हुआ, जिसमें फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पुरुष और महिला वर्गों की टीमों ने प्रतिभाग किया। बता दें कि आयोजन का शुभारंभ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा संकाय के उपाध्यक्ष डॉक्टर डीसी लाल और भाजयुमो काशी प्रस्थान के उपाध्यक्ष समीर मिश्रा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। ये टैलेंट हंट प्रतियोगिता के नाम से आयोजित की जा रही है, भारतीय खो खो संघ इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। आज इसमें पुरुष वर्ग में 5 टीमें हैं और बालिका वर्ग में 4 टीमें, यानी कि प्रत्येक जिले से 1 टीम है। मंडल की टीमें प्रतिभाग करें इसमें, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, इलाहाबाद, इस तरह से। तो ये प्रतियोगिता बेसिकली इसको कराने का मतलब है कि जो पूरे मंडल में प्रतियोगिताओं को चिन्हित करना और उसको आगे खेल के लिए प्रोत्साहित करना। मेरा नाम अरुण प्रताप सिंह, मैं प्रयागराज का खो खो कोच हूँ, NIS। देखिए, हमारा खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का लक्ष्य ये है कि खिलाड़ियों को हम सशक्त करें, स्वावलंबी बनाएं और इस राष्ट्रीय खेल और बल्कि भारतीय खेल को जिस तरीके से
केंद्र सरकार और राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश चूंकि वो प्रदेश है जो देश की दिशा और दशा बदलता है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सुधांशु मित्तल जी ने इस पर संज्ञान लिया और उनके दिशा निर्देश पर हमारे महासचिव MS त्यागी जी ने एक रूपरेखा बनाई कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे 18 मंडलों में खो खो टैलेंट सर्च। संभल बहजोई थाना क्षेत्र के सादात वाड़ी शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि के दूसरे दिन ड्यूटी के दौरान PSC जवानों से दो युवकों ने अभद्रता की। वहीं बस सलूकी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दबंगों को गिरफ्तार कर दबंगों के साथ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। देखिए, आज सादातवाड़ी मंदिर पर ड्यूटी पर तैनात PSC जवानों के साथ में दो लड़कों द्वारा अभद्रता की गई, मारपीट का प्रयास किया गया। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। खबर संभल से है, जहां युवती की बेटी को बहला फुसला कर गांव का ही एक युवक अपने साथ लेकर चला गया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ थाना प्रभारी को तहरीर दी और चौकी प्रभारी पर आरोप लगाया कि 9,000 रुपए लेने के बाद भी मामले में कार्रवाई नहीं हुई और चौकी इंचार्ज पंकज कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई और कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। जयपाल सिंह। पति खत्म हो गए आपके? खत्म हो गए। कहाँ की रहने वाली हो? हरिपुर में। क्या मामला तुम्हारा? रहने वाली तो मैं सुरपुड़ी की निवासी। अच्छा अच्छा, अब फिलहाल कहाँ रहती हो? हरिपुर में। अच्छा, क्या मामला तुम्हारा? मेरे साहब 11 तारीख को लड़की गायब करी है। किसने गायब करी थी? गंगाराम सिंह के लड़के ने। क्या नाम लड़के का उसका? सुमित ने। तो फिर तुमने इसकी तहरीर दी को थाने को? सुनकर दी। तहरीर दी? हाँ। क्या तारीख को? 11 तारीख को। 11 में थी, 12 में थी तारीख? 11 मैं लड़की गई तुम्हारी 11 तारीख को। 11 तारीख गई लड़की तुम्हारी? हाँ। है ना तारीख। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुबारक अली जुड़ेंगे। मुबारक, देखा जाए एक माँ अपनी बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगा रही है, क्या है कुछ पूरा मामला? मुबारक, देखा जाए एक माँ अपनी बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगा रही है, क्या कुछ है पूरा मामला? आपको बता दूं, जनपद संभल का पूरा मामला बताया जा रहा है और अपनी बच्ची की कई बार न्याय लगा चुकी है, कई बार थाने जा चुकी है, अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आरोप लगा रही है जो आरोपी है, आरोपी जो उसके लिए किडनैप करके ले गए हैं लड़की के लिए, और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है पुलिस ने। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी को 9,000 रुपए भी दिए गए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, जो महिला ने जो बताया है, जो इसमें 9,000 रुपए भी दे चुकी है महिला, और उसके बाद तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और कई बार महिला थानों के चक्कर लगा रही है और कोई अधिकारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है इसमें। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुबारक। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज यानी 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। वहीं इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के सारे नेता और विधायक विधानमंडल पहुंच रहे हैं। वहीं और इसी के चलते भदोही से विधायक जाहिद बेग साइकिल से विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर जुबानी हमला भी बोला और उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले हम लोग चौधरी साहब की प्रतिमा पर मल्यार्पण करते थे, लेकिन योगी सरकार ने व्यवस्था बदलने का काम किया है, विधायकों का प्रवेश बंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाजपा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बदलना चाहती है और साथ ही कहा कि आज चौधरी साहब के सम्मान में उनका अपमान हो रहा है, क्योंकि योगी सरकार का बुलडोजर पहले ही पिछड़ों, गरीबों, अल्पसंख्यकों पर चलाया जा रहा था, अब कानपुर में बुलडोजर चलाया गया। ये तो ये परंपरा रही है, विधानसभा शुरू होने से पहले हम लोग चौधरी साहब के प्रतिमा पे एक नंबर से जाके मार्पा करते हैं, लेकिन सरकार ने व्यवस्था बदलने काम किया। जिस तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहती है, उस तरह शुरुआत एक नंबर से विधायकों का प्रवेश बंद करना
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलने का ये परंपरा खड़ी है और चौधरी साहब के सम्मान में इनका अपमान है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।